उठानों में हुई गोवर्धन पूजा। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में इस बार सरकारी गोठान दिवस का असर दिखाई दिया। लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए गोठानों में जाकर गाय माता की पूजा की और इस पर्व को मनाया। गरियाबंद जिले में गोवर्धन पूजा पर गोठान दिवस का रंग खास तौर पर दिखाई दिया। सरकार की ओर से बनाए गए गोठानों में जाकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से गोवर्धन पर्वत बनाया और पूजा पाठ कर गायों को खिचड़ी खिलाया। गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट बनाने की परंपरा छत्तीसगढ़ में आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन इस बार सरकारी गोठानों में भी इसका आयोजन धूमधाम से किया गया। ग्रामीणों ने यह आयोजन धूमधाम से किया और इस आयोजन के लिए सरकार को बधाई भी दी। ग्राम गोठान में गोवर्धन पूजा किए और गाय उला का पूजा किए और खिचड़ी खिलाए। हाँ बताइए, किसका निर्देश था, क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश से ओकर से हमारे गौठान में गौ बनाए आए हैं। गौठान में क्या कथे गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और गौ माता मला क्या कथे पूजा वूजा कर रहे हैं और खिचड़ी विचड़ी खिलाए हैं और धूमधाम से मना हन गौ ने गौठान में गोवर्धन। नई सरकार बनते ही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी नई योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह गोठान बना दिए, लेकिन इन गोठानों का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता घनश्याम यादव ने इस पे पड़ताल की तो पता चला कि गए गोठानों में अव्यवस्था है, न पानी की सुविधा है, न बिजली की, मवेशियों को रहने के लिए केवल शेड बना दिया गया है, उनके भोजन पानी का भी व्यवस्था नहीं किया गया है।